रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत पनासी गांव से नवनिर्वाचित सरपंच के पति की निर्मम हत्या का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें पहले तो निर्वाचित सरपंच के पति को कुर्सी में बैठाकर करंट से उसकी हत्या की गई तथा बाद में पेट्रोल डालकर शव में आग लगाया गया। बताया जा रहा है कि देर रात सरपंच पति पोल्ट्री फार्म घूमने गए, तभी अज्ञात आरोपियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम अब मामले पर जांच कर रही है। दरअसल हाल ही में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में त्योथर जनपद पंचायत क्षेत्र के पनासी गांव से राजकुमारी सिंह महिला सरपंच निर्वाचित हुई। इसके बाद आज उनके पति की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश के चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सरपंच पति जितेंद्र सिंह की हत्या की गई, जिसको लेकर घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने अब मामले पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो पनासी गांव की नवनिर्वाचित सरपंच राजकुमारी सिंह के पति जितेंद्र सिंह गुरुवार की देर रात को अपने पोल्ट्री फार्म में गए थे, यहां से वह लौट कर नहीं आया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा उनकी तलाश शुरू की गई तो पता चला कि पोल्ट्री फार्म में उनका शव पड़ा है। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने देखा कि अधजली अवस्था में सरपंच पति की लाश पोल्ट्री फार्म के अंदर कुर्सी में पड़ी है। मामले की जानकारी लगते ही परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर कर दी, जिस पर पुलिस ने संदेह जताया है कि पोल्ट्री फार्म के अंदर रखी कुर्सी पर बैठाकर पहले तो आरोपियों के द्वारा सरपंच पति के ऊपर करंट से वार किया गया तथा बाद में उनके ऊपर पेट्रोल डालकर उनके शव को जलाने की कोशिश की गई। फिलहाल मामले पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि राजनीतिक रंजिश के चलते ही सरपंच पति की हत्या की गई है। घटना की जानकारी लगते ही स्थानीय बीजेपी विधायक श्याम लाल द्विवेदी भी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृतक के परिजनों को ढाढ़स बधाया। मामला तो जांच की बात सामने आएगा क्या मामला है, लेकिन मेरे यहाँ आने पर मुझे 7 बजे सुबह खबर मिली सरपंच पनासी की निर्मम हत्या कर दी गई है। सरपंच पति की हत्या कर दी गई है। मैं शीघ्र यहाँ आया तो यहाँ हमारे तंत्र के आदरणीय एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब, सभी पुलिस बल, टीआई, बातचीत करने से पता चला उनके पिताजी ने ये बताया, परिजनों ने बताया कि ये हत्या चुनावी रंजिश को लेकर हुई है और ये हत्या लगभग रात के 2 बजे के करीब, जो यहाँ रीवा की टीम आई है, अपराध जांच करने वाली विशेषज्ञ दल आया है, वो नापजोक कर रहे हैं और थोड़ा सा किवाड़ खोला, ये दिखा कि जितेंद्र को कुर्सी में बांध के शायद करंट लगाया गया, मृत हो जाने पर उसे पेट्रोल या डीजल छिड़क के आग लगाई गई। इतनी निर्मम हत्या मेरे त्योथर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेरी जानकारी के अनुसार पहली मर्तबा चुनावी रंजिश की इस तरह की निर्मम हत्या की गई, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मुझे भरोसा है कि हमारा शासन प्रशासन, हमारे यहां के अधिकारी आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, इसमें तत्परता से जाँच करके अपराधियों को पकड़कर न्यायिक कार्यवाही करेंगे, जो उचित दंड होगा उन्हें दिलाएंगे। नितिन पटेल नामक लड़की जली हुई लाश को उसको मर्द कायम कर लिया गया है, फिर तीन मौके पर गर्मी मौके पर उसको विवेचना की जा रही है, आए हुए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी सर अभी तक पकड़े गए? आरोपियों के संबंध में भी जाँच जारी है, ऐसी जल्दी पकड़े। 24 घंटे के अंदर 2 हत्या थे उत्तर में, तो सर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पटरी से उतरना, क्या कहेंगे सर? दोनों की स्थिति परिस्थिति अलग अलग, उसके संबंध में विवेचना की जा रही है, पूरी सारे पहलुओं को ध्यान में रखते। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को, और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।